हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल त्रिपति अकेडमी। त्रिपति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यार, जैसा कि हमारा पूरा सीरीज चल रहा है फिजिक्स के, हमने बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर दिए हैं, ठीक है। तो उसी सीरीज में यार एक आज नया चैप्टर है, जिस चैप्टर का सबसे ज़्यादा वेटेज है पूरे फिजिक्स में, सबसे ज़्यादा वेटेज यार इसी चैप्टर का है, जिसका नाम है क्या, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में यार रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स हम दोनों की बात कर रहे होंगे, ठीक है। उनका क्या वेटेज है और कैसे क्या करना है, उसके जो नोट्स है यार वो हम डिस्क्रिप्शन में दे ही देते हैं, और उसके बाद कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको करने के बाद उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो यार वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, जिससे कि यार तुम्हें सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे तुम्हें इस वीडियो में मिल जाए। बस यार ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं यार जो हमारा चैप्टर है कि ऑप्टिक्स में जो रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स है, इसमें यार हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको हम क्या कह देते हैं यार कि MIT, ठीक है, MIT कॉलेज का मैं सोचना है, ठीक है, हम इसको MIT कह देते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका वेटेज सबसे ज़्यादा यार फिजिक्स में, जिसका कि 14 मार्क्स का वेटेज है अभी तक जितने भी मैंने तुम्हें पूरी सीरीज में कराया है। तो यार मैक्सिमम 8 मार्क्स का तुम्हारा हाईएस्ट वेटेज गया है, इसका यार 14 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये चैप्टर, तो इसको तो यार बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है, इसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं। तो यार इसमें हम बात करने आते हैं, तो सबसे पहले यार बात करते हैं जो हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन है यार, जो वो क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, ठीक है, मैंने पिछले बहुत सारे 5-6 साल के देखे पेपर, तो 5-6 साल के पेपर देखने के बाद मुझे एक चीज़ समझ आई कि TIR में बड़ा पूछा जा रहा है, TIR बहुत बार बार पूछे जा रहे हैं। तो TIR का जो क्वेश्चन है यार वो बिल्कुल कर लेना, उसकी जो डेफिनेशन है TIR की वो जरूर कर लेना, उस पर एक या दो प्रॉब्लम जो तुम्हें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं NCERT में वो जरूर कर लेना, ठीक है। और जैसा कि मैंने तुम्हें समझा ही रखा है, नोटबुक में सारी चीज़ें करनी है जो तुमने अभी तक तो शायद बना ही ली होगी, ठीक है। तो अब इसके बाद हम चलते हैं यार सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला यार जो कि हमारा 1/f = (n-1)(1)R1 - 1/R2, जो ये फॉर्मूला आता है, इसकी यार जो डेरिवेशन है, ठीक है, इसकी क्या यार डेरिवेशन है वो यार तुम्हें करनी है, ठीक है। इसकी डेरिवेशन, इसके बेस्ड एक कोई सी प्रॉब्लम कर लेना, ठीक है, क्योंकि जिससे तुम्हारे, क्योंकि एग्जाम में यार तुम्हें भी पता है कि एग्जाम में क्या करते हैं, वो ये दे देंगे, बोलेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला को प्रूव कर दो, या उसके बाद एक क्वेश्चन दे देंगे कि उसके बेस्ड एक प्रॉब्लम। तो अगर तुमने एक प्रॉब्लम कर ली होगी ना तो तुम्हें आसानी होगी करने में, ठीक है। इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि एक प्रॉब्लम यार जरूर कर लिया करो किसी भी चैप्टर का, अगर मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ ना उसके बेस्ड एक, कम से कम एक प्रॉब्लम कर लिया करो, ज़्यादा नहीं ना, एक प्रॉब्लम कर लो बस, बात खत्म है, ठीक है। अगर यार थोड़ी बहुत नॉइज़ आ रही हो तो उसे थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि यार हो जाता है थोड़ा बहुत नॉइज का, क्या कर सकते हैं अब, ठीक है। तो यार थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है यार, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है यार। जो प्रिज्म के थ्रू जो हम रिफ्रैक्शन जो करते हैं, जिसमें यार तुम डिस्पर्शन ऑफ लाइट में, जैसे वेव ग्योर आता है, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येल्लो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, वेव ग्योर येल्लो बीच में आता है, ठीक है। तो यार ये जो चीज़ है इसको जरूर करना, ठीक है, ये वाली और रिफ्रैक्शन में, ठीक है, उसमें थोड़ी सी डेरिवेशंस हैं थोड़ी बहुत, तो वो भी अपना देख लेना यार। उसमें हमारे नोट्स में जाकर तुम देखोगे तो नोट्स में भी तुम्हें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। उसमें तुम्हें नोट्स में भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आराम से नोट्स पढ़ लो, बस उसके बाद तुम्हारा काम चल जाने वाला है। तो यार रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज, दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यार, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं हम इसे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म एंड कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। यार मिनिमम डेविएशन की जो कंडीशन आती है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ये जो मिनिमम डेविएशन का जो तुम्हारा कंडीशन आता है ना वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म वाला जो क्वेश्चन है यार, वो डेरिवेशन जो है ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस एक क्वेश्चन तो यार फंस ही जाता है पूरे चैप्टर में ना, एक क्वेश्चन तो फंस जाता है इसके बेस, ठीक है, एक क्वेश्चन फंस जाता है, मतलब आ जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म और कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। तो इसकी जो डेरिवेशन है यार, डेरिवेशन जरूर करके जाना, ठीक है, डेरिवेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन, डेरिवेशन यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको यार तुम बिल्कुल छोड़ के जा नहीं सकते, क्योंकि इसको छोड़ के चले जाओगे यार फिर बड़ी दिक्कत आएगी तुम्हें, क्योंकि फिर तुम दोबारा जब आओगे ना तो तुम्हें लगेगा यार भैया ने कहा था मुझे ऐसा कुछ और मैंने नहीं किया, ठीक है। तो ये तुम्हें करके ही जाना है, ठीक है। चलो
अब आती है बात यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसका नाम तुमने बहुत बार सुना होगा, मुझे पता है तुमने बहुत बार इसका नाम सुना होगा, टीचर्स से नाम सुना हुआ होगा यार, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में बोलते रहते हैं। ठीक है, तो यार ये सच्ची में इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो यार, VVI। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो, क्योंकि यार ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इसको अगर तुमने कर लिया ना, बेड़ा पार है तुम्हारा, जो भी बच्चा है उसका बेड़ा पार है, 14 मार्क्स है ना, इतना भी करके चला जाओ 14 में से 12-13 तुम्हारे कहीं ना गए, 12-13 तो तुम्हारे कहीं ना गए, जितना भी बस तुम करके चले जा रहे हो, जितना बता रहा हूँ, ठीक है, जितना भी बता रहा हूँ यार, उसको सीरियसली लो और ट्रस्ट बना के चलो। ट्रस्ट अगर तुम्हारा रहेगा ना, तो बिल्कुल यार तुम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, बहुत फोड़ सकते हो यार, एक तरीके से फोड़ सकते हो। ठीक है, तो ट्रस्ट बना के चलो। ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी यार जो बिल्कुल डायग्राम, लेबल डायग्राम होता है, वो पूरा अच्छे से डायग्राम कर लेना, उसके बाद इसका जो पूरा आता है यार, उसका जो पूरा तुम निकालते हो, डिराइव करते हो, वो सारी चीज़ें कर लेना, क्योंकि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने इसलिए VVI लिख दिया, इस पे बेस्ड ना क्वेश्चन जरूर एक आ जाता है। ठीक है, इसके बेस्ड यार जरूर आ जाता है, बाद में पछता कर कोई फायदा नहीं। जब कहते हैं ना यार, कोई कहावत होती है कि पछताए अब पछताए कात जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसा कुछ होता है ना, तो यार इसीलिए कर लेना। ठीक है, इसको मैं बहुत जोर डाल रहा हूँ बहुत देर से, तो इसको बिल्कुल ही कर लेना। और सिक्स एंड लास्ट क्वेश्चन इज दैट डिफ्रैक्शन यूजिंग सिंगल स्लिट, सिंगल स्लिट के थ्रू जो डिफ्रैक्शन आती है, वो वाला यार एक क्वेश्चन कर लेना। इसके बेस्ड एक डेरिवेशन तो एक्चुअली तुम कर ही लेना, इसकी जो डेरिवेशन है इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है तुम्हें, डेरिवेशन तो इसका कर ही लेना है। इसके बेस्ड यार एक या दो प्रॉब्लम्स इसके बेस्ड कर लेना, ठीक है, एक या दो प्रॉब्लम कर लेना। ठीक है, ये सारी बात हमने कर ली, TIR हो गया यार, लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया तुम्हारा, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म बता दिया मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म एंड कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन यूजिंग सिंगल स्लिट, तो ये सारी बातें हमने कर ली। इसका एक स्क्रीनशॉट लो यार, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, यहाँ यार कुत्ते बहुत भोंकते रहते हैं, तुम्हें मजा हंसी भी आ रही होगी कि यार कुत्ते बड़ा भोंक रहे हैं, थोड़ा इग्नोर मार के चलना। ठीक है, थोड़ा सा इग्नोर मारना, अब जानवर को कौन चुप करवा पाएगा। तो तुमने यार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेने के बाद तुम्हें सब कुछ पता है, मैं हर वीडियोस में बोलता रहता हूँ। अगर यार तुम नए व्यूअर हो तो उनके लिए मैं फिर से दोबारा सारी चीज़ें रिपीट कर देता हूँ। तुम्हें क्या करना है यार कि एक नोटबुक बनाना है, उस नोटबुक में ये सारी चीज़ें नोट करनी है, उसके बाद इसके जो डेरिवेशन है वो करने हैं, इनके बेस एक या दो प्रॉब्लम कर लेने हैं, जिससे कि लास्ट मोमेंट पे तुम्हें कोई भी दिक्कत ना आए, लास्ट मोमेंट में तुम्हें कुछ नहीं करना, बस वो अपनी नोटबुक को जाकर देख लो, काम हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट में बस इतना ही करके तुम्हें चले जाना, तो इसलिए यार नोटबुक में आराम से जाया करो। अगर पहले बार देख रहे हो यार, या पहले से देखते आ रहे हो, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड होंगे क्लास 12th के, उन सबके साथ शेयर करा करो यार। तुम शेयर करोगे तभी तो यार हमें मोटिवेशन मिलेगी, तभी तो व्यूज़ आएंगे, तभी तो यार चैनल ग्रो होगा। ठीक है, तुम लोग यार शेयर करते नहीं हो, ठीक है, शेयर करा करो थोड़ा सा, और बस, और लाइक कर दिया करो अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगती हो, ना लाइक कर दिया करो। कुछ तो लोग होते ही यार जो डिसलाइक मारने वाले हो, तो यार तुम भी डिसलाइक मार देना, जिनको भी यार मन हो रहा हो डिसलाइक मारने का, तुम भी यार जाके डिसलाइक मार सकते हो, तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करी जा रही है, फिर भी डिसलाइक मारना है तो जाके तुम मार सकते हो। और बस यार, अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो जा करके सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तुम्हारे यहाँ सब्सक्राइब बढ़ा नहीं रहो, जल्दी जल्दी बढ़वाओ यार सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करी जा रही है। ठीक है, बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, जय हिंद जय भारत।